गुड मॉर्निंग एवरी वन. आई एम डॉक्टर भावना गोस्वामी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट साउल ऑर्थो केयर सेंटर. तो अब हम जानेंगे ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशन के बारे में. ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशन क्या होती है और मायोफेशियल जो टेक्निक है, हम उसे मसल्स में जो ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं उसके ऊपर हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो आपने सुना होगा अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, स्पेशली और फैमिली मेम्बर्स में आपने देखा होगा कि कई बार आपके जो बुजुर्ग हैं घर में वो कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है या मुझे यहाँ नेक में पूरा पेन हो रहा है, यहाँ मसल्स में पेन हो रहा है. तो वो बेसिकली उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है रॉन्ग पॉस्चर, सिटिंग, ज़्यादा झुक के मोबाइल का इस्तेमाल करना या ज़्यादा झुक के न्यूज़पेपर पढ़ना या झुक के पूरा दिन किसी पर्टिकुलर पोजीशन में काफ़ी घंटों तक बैठना. ट्रिगर पॉइंट्स फॉर्मेशन हो जाती है मसल्स और फेशिया के बीच में. ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशन होता क्या है? ट्रिगर पॉइंट्स एक टॉट बैंड है जो हम अपनी मसल्स को, हम ज़्यादा दिन तक उसको कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उसको हम स्ट्रेच नहीं करते, यूज़ नहीं करते, मसल्स टाइट हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, उसमें हमारे स्किन और हमारे मसल्स के बीच में एक फेशिया प्रेजेंट होती है जहाँ की एक टॉट बैंड क्रिएट हो जाता है, उसे हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं. और वो बहुत ज़्यादा थोड़ा भी प्रेस करने से बहुत ज़्यादा वो पेनफुल होता है. तो ये जो हमारी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक है, इसे हम ट्रिगर पॉइंट रिलीज करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम अपने हाथ की सहायता से, फिंगर्स और थंब की सहायता से भी कर सकते हैं. और इसे AISTM टूल्स बोलते हैं. इन टूल्स की हेल्प से भी हम मायोफेशियल रिलीज करते हैं ट्रिगर पॉइंट्स पे और टाइट जो हमारे मसल्स होते हैं. बेसिकली जो ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशन है वो हमारे नेक और अपर बैक के मसल्स पे बहुत जल्दी हो जाते हैं. दोस्तों, तो ये हमने जाना कि बेसिकली मायोफेशियल रिलीज टेक्निक क्या होती है, जिसे कि हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज टेक्निक भी बोलते हैं, और हम किस किस कंडीशन में, किस किस मसल पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. जैसा कि आपने जाना कि मायोफेशियल रिलीज टेक्निक बेसिकली होती क्या है और हम किस किस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि हम इसे अपने हाथों का यूज करके भी कर सकते हैं, थम्स और फिंगर्स के यूजेस से भी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक हम कर सकते हैं, और ISTM टूल्स की मदद से भी हम मायोफेशियल रिलीज, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज टेक्निक को कर सकते हैं. तो पहले हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम हैंड से अपने यूज कर सकते हैं. तो पहले हम जो पेशेंट की पोजीशन शुड बी 90 डिग्री पोजीशन, पेशेंट को हम 90 डिग्री पोजीशन में बैठाएंगे, और जो मसल्स हमारी अफेक्टेड है, जिस मसल में स्पैजम है या ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशन है या मसल टाइटनेस है, उसे हम फोकस करेंगे रिलीज करने के लिए अपनी इन टेक्निक्स के थ्रू. हम अभी जो मैं मसल आप अभी फोकस कर रही हूँ वो है हमारी अपर ट्रैपेजियस मसल. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट को ऑपोजिट साइड फ्लेक्शन कराएंगे नेक का, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस मसल, किस फाइबर में कहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है. तो ही इज हैविंग ट्रिगर पॉइंट्स इन दिस पोर्शन, मिड ऑफ ट्रैप्स में है अपर फाइबर में ट्रिगर पॉइंट. तो उसको हम अपने थंब प्रेसिंग की मदद से इस तरह से धीरे धीरे स्ट्रेच करके रिलीज करें. ओके, तो ये थी हमारी पहली टेक्निक. इसको हम 5 से 7 बार, 5 to 7 times सेम ट्रिगर पॉइंट्स को हम रिलीज करने के, मायोफेशियल रिलीज ये जो टेक्निक है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी टेक्निक की ओर, जो कि हम अपने हैंड्स के यूज से कर सकते हैं, वो है हमारी रोलिंग टेक. तो हमने फोकस किया था अपर ट्रैपेजियस मसल को, इस तरह से हम पूरे मसल बल्क को पकड़ेंगे और इस तरह से धीरे धीरे उस ट्रिगर पॉइंट्स को फोकस करते हुए इसे रोल कर. रोलिंग को भी हम 5 से 10 बार कर सकते हैं, 5 to 10 times कर सकते हैं, जिससे कि हम ट्रिगर पॉइंट्स को ब्रेक कर सकते हैं और फेशिया, टाइट फेशिया, मस्कुलर फेशिया को रिलीज कर सकते हैं. तो अब हम बढ़ेंगे अपनी तीसरी टेक्निक की ओर. तीसरी हमारी टेक्निक है ज़िगज़ैग टेक्निक. तो उसके लिए हमें सेम मसल फाइबर्स को इस तरह से होल्ड करना होता है और इसे हम ज़िगज़ैग पैटर्न में इस तरह से मूव करेंगे. पूरे मसल को भी फोकस कर सकते हैं और हम अपनी ट्रिगर पॉइंट्स को भी फोकस कर सकते इस तरह से. तो ये भी हम 5 to 10 times कर सकते हैं. अब हम बढ़ेंगे अपनी चौथी टेक्निक की ओर, जो कि है स्क्वीजिंग टेक्निक ऑफ द सेम मसल. इसके लिए हम अपने अपर ट्रैपेजियस के जो फाइबर्स हैं उसको फिर से स्ट्रेचिंग पोजीशन में लेके आएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच पे रखेंगे और मसल को पकड़ेंगे इस तरह से. पूरे मसल बल्क को पकड़ना है, स्किन फेशिया को नहीं पकड़ना. पकड़ के इसको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स अगेन. विल स्क्वीज इट
and we'll hold it for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then relax. तो ये थी हमारी मायोफेशियल रिलीज टेक्निक. तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह से हम मायोफेशियल टेक्निक कर सकते हैं, एक तो अपने हाथों के उपयोग करके, दूसरा कि हम ये AISTM टूल्स बोलते हैं इसको, इसके उपयोग से भी हम मायोफेशियल फेशिया को रिलीज कर सकते हैं, टाइट फेशिया को. तो अब हम देखेंगे कि इसका हम उपयोग कैसे करते हैं. तो सपोज अगर हमारे जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं या स्पाज़म है वो हमारे अपर ट्रापेजियस में है या हमारे लोअर ट्रापेजियस में है या हमारे सब स्कैपुलरिस मसल में है या हमारे रोम्बोडस मसल्स हैं, ये हमारे बैक साइड में ये सारे मसल्स आते हैं. सपोज अभी इस सारे ग्रुप ऑफ मसल्स को हम लेके चलते हैं, अगर किसी में भी इसमें भी ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशंस हैं तो उसको हम इस टूल से कैसे रिलीज करेंगे. चलिए, तो इसके लिए हम थोड़ी सी जाली अप्लाई करेंगे. पहले इस तरह से आप थोड़ी जाली अप्लाई कर सकते हैं, जेली का यूज कर सकते हैं या आप मॉइस्चराइजर का भी यूज कर सकते हैं. तो ये हमने थोड़ा मॉइस्चराइजर यूज किया. ये हेल्प करता है फ्रिक्शन इन बिटवीन योर टूल्स एंड योर बॉडी. बेसिकली फ्रिक्शन अप्लाई करने के लिए हमने अप्लाई किया है. तो इस तरह से हम रिलीज करेंगे सारे मसल्स को. इसमें कभी भी आप टूल्स का जो बड़ा वाला एज वेज पार्ट है इस तरह से कभी भी अंदर साइड से यूज नहीं करते, इसे बिगर जो वेज पार्ट है इस साइड से हमेशा इसे यूज करेंगे. तो इस तरह से हम अपने सारे मसल्स को रिलीज कर सकते हैं. वी आर रिलीजिंग द फेशिया एंड ट्रिगर पॉइंट्स. तो पहले हम करेंगे इस पोजीशन 90 डिग्री पोजीशन में. जब पेशेंट 90 डिग्री पोजीशन में होगा, शोल्डर को भी 90 डिग्री पोजीशन में करेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी मसल्स हैं वो सारे एक्टिव पोजीशन में हैं जब हमने इसे रिलीज किया. अब हम धीरे धीरे पेशेंट को बोलेंगे हेड डाउनवर्ड्स मूव करने के लिए, जिससे कि हमारी जो मसल्स है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी. स्ट्रेचिंग कंडीशन में इसको हमने स्ट्रेच करना है. अब हम पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड टर्न करने के लिए, रोटेट करने के लिए. रोटेशन में मसल्स एकदम से स्ट्रेच हो जाती है और हम कॉन्टिन्यूसली इसको रिलीज करते जाएंगे. धीरे धीरे पेशेंट को थोड़ा राइट रोटेशन के लिए बोलेंगे, और अभी मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है तो हम इसे इस पोजीशन में भी अलग अलग डायरेक्शन में रिलीज करते जाएंगे. रिलैक्स. तो जैसा कि आपने देखा, मैंने AISTM टूल्स का उपयोग किया हमारे ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज के लिए और हमारी जो मस्कुलर फेशिया टाइटनेस थी उसके लिए. अब इसके बाद हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली हमारे जो वीकेंड मसल्स हैं या जो हमारे टाइटन मसल्स हैं उसको हम मसल एनर्जी टेक्निक का भी यहाँ पे प्रयोग करेंगे. 90 डिग्रीज कर लो. ओके, जस्ट प्रेस माई हैंड्स, प्रेस इट. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देन रिलैक्स अगेन, प्रेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. हमने पहले मसल्स को रिलीज किया, फेशिया को रिलीज किया, ट्रिगर पॉइंट्स को ब्रेक किया, फिर हमने मसल एनर्जी टेक्निक यूज की. उसके बाद अभी हमें मसल्स को रिलैक्सेशन देना है फॉर 25 to 30 minutes. जस्ट रिलैक्स. जैसा कि मैंने आपको बताया मायोफेशियल टेक्निक के क्या यूजेस हैं, किस किस कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं, और दो तरह की जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, एक ISTM टूल्स के थ्रू और एक हमारे हैंड्स के थ्रू. तो इससे हम पेशेंट्स की जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स ब्रेकेज कर सकते हैं, स्पाज़म को ठीक कर सकते हैं. बहुत सारी कंडीशन हैं जिसमें कि पेशेंट्स को एक अच्छा प्रोग्नोसिस मिलता है ये मायोफेशियल रिलीज के थ्रू. जैसे कि आपने देखा, मैंने बताया ट्रिगर पॉइंट रिलीज और मायोफेशियल रिलीज के बारे में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं. थैंक यू.